रिफ्रेशर किया जाएगा। पिछला जो एंटरप्राइज डेवलपमेंट ट्रेनिंग में हम लोग एकत्रित हुए थे, उस ट्रेनिंग में हमने सीखा था कि बेनिफिशियरी मतलब हमारी जो लाभार्थी हैं, हमारी जो गरीब दीदी हैं, उनको अपने पैरों पे खड़ा करना है। तो खड़ा करने के लिए हम लोगों ने क्या किया था, छोटे छोटे बिजनेस उसके इलाके पे, छोटे छोटे क्या क्या बिजनेस करके या व्यापार करके वो अपने पैरों पे खड़ी हो सकती है। तो वो छोटे छोटे जो बिजनेस हैं उस बिजनेस को हम लोगों ने चुना था, और चुनने से पहले उस बिजनेस को चुनने के पीछे कुछ क्राइटेरिया हम लोगों ने क्या किया था, सीखा था, देखा था। जैसे कि फर्स्ट क्राइटेरिया क्या था कि वो बिजनेस करने में दीदी सक्षम है कि नहीं, बिल्कुल गुड। दूसरा क्या था क्राइटेरिया, हाँ बिल्कुल, कि वो जो बिजनेस है वो बिजनेस कम पूंजी में है ना, मतलब कैपिटल कम लगे और अधिक लाभ हो या उपज हो, अधिक उपज हो, ओके। दूसरा तीसरा क्या था कि उस बिजनेस में क्या था, रिस्क कम हो, है ना, कि उस बिजनेस में क्या हो, रिस्क कम हो। चौथा क्या था कि मार्केट में उसकी रॉ मटेरियल का अवेलेबिलिटी है ना, मतलब प्राप्त आसानी से हो जाए, ओके। जिस इलाके में दीदी वो बिजनेस करेगी उस इलाके में उस बिजनेस का डिमांड होना चाहिए, तभी तो वो बिजनेस चलेगा, है ना। उस बिजनेस को लेकर कंपटीशन नहीं होना चाहिए, है ना, कंपटीशन नहीं होना चाहिए। ये सब क्राइटेरिया हम लोग देखकर उस दीदी का बिजनेस हमने सिलेक्ट करेंगे, ये सब सीखा था। बिजनेस सिलेक्ट करने के बाद उस दीदी को लेकर, उसके परिवार को लेकर, उसके घर पर बैठकर उस बिजनेस से संबंधित बिजनेस प्लान हम सबको तैयार करना है। हम सब ने तैयार किया। बिजनेस प्लान तैयार करने से पहले हम लोग और एक काम किए थे, क्या किए थे, फिजिबिलिटी मैपिंग, याद है आप लोगों को। फिजिबिलिटी मैपिंग मतलब उस इलाके में कौन कौन सा व्यापार चल सकता है उसके ऊपर हमने एक संभवता के ऊपर जांच किया था कि उस इलाके में कौन कौन सा बिजनेस चल सकता है ना, कौन कौन सा बिजनेस चल रहा है और कौन कौन सा चल सकता है, नया क्या चल सकता है और पुराना, और थोड़ा सा नए तरीके से करने से पुराना बिजनेस और बेहतर कैसे चल सकता था। अभी क्या है, उस बिजनेस को करने के लिए क्या क्या था, एक था फिक्स्ड एसेट मतलब क्या क्या सामग्री चाहिए, है ना, और रनिंग एसेट, फिक्स्ड एसेट मतलब जो एक बार खरीदेगा और लंबे समय तक उसका इस्तेमाल करेगा, उसे हम फिक्स्ड एसेट करते कहते हैं। तो ग्रोसरी एंटरप्राइज मतलब किराने की दुकान के लिए क्या क्या फिक्स्ड एसेट चाहिए, दीदी को लेकर, उसके परिवार को लेकर हम लोगों ने एक लिस्ट तैयार किया था, ओके। उसी हिसाब से उसी ग्रोसरी के दुकान में या बिजनेस में उसे रनिंग एसेट क्या क्या चाहिए उसका भी लिस्ट किया था। रनिंग एसेट किसे कहते हैं, जो रोज खरीदे रोज बिक्री करे, या सप्ताह में एक बार खरीदे और पूरे सप्ताह उसी सामान को बेचे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गुड, उसी को कहते हैं रनिंग एसेट। तो ये सारे सामानों का लिस्ट हम लोगों ने तैयार किया था, है ना। तैयार करने के बाद हम लोग कहाँ गए थे, दुकानदार के पास उन सामानों का दाम रेट, है ना, जिसे कहते हैं कोटेशन, कि भैया आपके दुकान पे हमें इतना सामान चाहिए, आप बताओ कितना भाव लगाओगे। ऐसा कोटेशन हम एक दुकान पे नहीं, कम से कम 3-4 दुकानों पे लिए थे एक ही एंटरप्राइज के ऊपर। अगर एक ही ग्रोसरी बिजनेस है तो ग्रोसरी बिजनेस के लिए हम एक ही बिजनेसमैन के पास नहीं जाएंगे, 3-4 दुकानों में जाएंगे और 3-4 दुकानों में से हम लोग उसका रेट लेकर आएंगे, ओके। रेट लेकर आके हमें उस रेट के ऊपर बैठकर
हमें क्या करना था, कैलकुलेशन करना था कि यहाँ पे एक किलो चाय पत्ती का कीमत 150 रुपया है और इस दुकान पे सेम वैरायटी 120 रुपया ले रहा है, तो क्या हम वहां से खरीदेंगे या यहाँ से खरीदें? क्वालिटी एक ही है लेकिन रेट दोनों जगह पे अलग अलग है। तो हमें देखना है कि कम पैसे में अच्छा से अच्छा सामान कौन से दुकान से मिल रहा है या कौन दुकानदार दे रहा है, उससे हमें सामान खरीदना। ओके, खरीद कर क्या करना, हमें दीदी को देना है। ओके, दीदी को देना है। इतना दूर तक हम लोग पिछले ट्रेनिंग में सीखे थे। अभी आप लोग अगर बिजनेस का सामान दीदी को हम लोगों ने दे दिया है, वितरण करने के बाद है ना, या वितरण करते समय हम सबको बहुत सारे दस्तावेजों के ऊपर काम करना है, तो वो दस्तावेज क्या क्या है आइए थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। सबसे प्रथम हमें जो काम करना पड़ेगा वो ये है, एक है, क्या लिख रही हूँ थोड़ा देखिए, क्या लिखा, डेली रजिस्टर। ओके, दूसरा देखते हैं, आइए, देखिए कुछ याद आ रहा है, तो ये जो चार रजिस्टर है, ये चार रजिस्टर हमें कौन से लेवल पे होगा, बेनिफिशियरी लेवल पे मेंटेन करना पड़ेगा। इन चार रजिस्टर में से हम लोग प्रथम जो रजिस्टर है वो है क्या, डेली रजिस्टर। तो उस डेली रजिस्टर के बारे में हम लोग जानते हैं कि डेली रजिस्टर कहते किसे हैं, है ना, डेली रजिस्टर होता क्या है। जिस रजिस्टर में दीदी को व्यापार से संबंधित खरीदना बेचना, परिवार खर्च है ना, उधारी नगद, ये सारा विवरण जिस रजिस्टर में लिखा रहता है उसी रजिस्टर को डेली रजिस्टर या दैनिक रजिस्टर कहते हैं। हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप लोगों को समझाने के लिए लिखा है डेट, एक से लेकर 7 दिन तक दीदी व्यापार करेगी। दूसरा चीज है, ये 7 दिन का हिसाब करने के बाद ये रेड वाला मार्क देख रहे हैं क्या लिखा है, वीकली टोटल, मतलब 7 दिनों में दीदी कितना बिक्री की है, कितना खरीदा है, कितना बेचा है, कितना भोजन में खर्चा किया है, ये सब टोटल करके नीचे उतारना पड़ेगा। ठीक है, अभी देखिए शुरुआत में हमने क्या लिखा है, 1 तारीख सोमवार, मतलब सोमवार में ही हम दीदी के घर घर में जाएंगे। मान के चलो ये एक नंबर दीदी है, नंबर वन नंबर दीदी, ओके, ये फॉर एग्जांपल आशा दीदी हुआ, कमला दीदी हुआ, बिमला दीदी हुआ, उसके घर में हम जाएंगे, तो प्रतिदिन प्रति सोमवार को जाएंगे, है ना, सोमवार से लेकर रविवार तक वो बिजनेस करेगी, फिर हम नेक्स्ट सोमवार को उसके घर में जाएंगे। तो ऐसा भी होगा कि पूछे मान लेते हैं उसके पास 500 रुपया है और उसने 450 का ही सामान वो खरीद पाएगी, 50 रुपये का सामान वो नहीं खरीद पाई, तो वो भी जो है ना नगद कैश में जो है ना आ जाएगा, आएगा। मान के चलो कि दीदी का क्या है, किराना, किराना का दुकान, क्या लिखा, किराने का दुकान। ठीक है, उसको हमने प्रथम क्या किया है, 3000 का सामान दिया है, ये 3000 का सामान दीदी ने लिया है तो जाहिर है प्रथम दिन वो कुछ नहीं खरीदेगी क्योंकि सामान तो हमने उसको दे दिया है ना, इसलिए वो खरीदेगी कुछ नहीं, लेकिन बिक्री करेगी, बेचेगी वो 3000 सामान का। तो जब भी हम कोई खरीदारी करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा,
किससे माइनस करेंगे? ये हाथ में मेरा जितना नगद होगा उससे हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। जब भी हम बेचेंगे तब हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। किसके साथ करेंगे? अभी हमने ये क्या है, देखो, व्यापार से परिवार खर्च, खर्च मतलब खर्चा जाएगा, इसमें निकलेगा भोजन में, मकान में, स्वास्थ्य में, अन्य, ये क्या होगा? खर्चा होगा। तो जितना पैसा जाएगा उन सबको क्या करेंगे? बिल्कुल गुड, उन सबको माइनस करेंगे। अभी इन सभी को माइनस करके क्या करना है? इस घर में प्लस करके लिखना है। उसके बाद कौन सा कॉलम है? उधार। जब आपने उधार दे दिया तब क्या करना है? माइनस करना है। जब आपने उधार दे दिया माइनस कर देना है। अभी वही उधार में से कुछ पैसा वापस आ गया है तो क्या करेंगे? गुड, तो हमें क्या करना है? तो ये जो फॉर्मूला है उधार वाला, ये कभी प्लस होगा कभी माइनस होगा। ये वाला उधार होता है टोटल उधार, मतलब ये है कि आज का नहीं, सिर्फ ये आज का उधार नहीं है, ये बिजनेस जब से स्टार्ट हुआ है तब से लेकर आज तक टोटल कितना उधारी है। करंट नहीं होता है, क्यूमुलेटिव होता है। अब सारा दिन का बिक्री हुआ, उधारी गया, खाना पीना हुआ, है ना, कुछ उधार पीछे का था वो वापस आया, आज का नया उधार हुआ, तो ये सब जोड़ घटाव करके आज के डेट में आपके हाथ में टोटल कितना पैसा है, ये हिसाब आज के सारा दिन के बाद निकालना पड़ेगा। तो ये निकालने का एक तरीका होता है, एक फॉर्मूला है। सूत्र नंबर 1 लिखिए, ड्यू का सूत्र। ड्यू मतलब उधार, ये वाला उधार, इसका सूत्र वह क्या करना पड़ेगा? प्लस करना होगा। जितना अधिक है वह कितना क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। मान के चलो कल का उधार 50% था, आज आके देख रहे हैं 150% हो गया है, तो कितना अधिक हुआ है? कल 50% उधार था, आज 150% उधार है, तो कितना अधिक है? 100 रुपया। तो 100 रुपया आज के डेट में ज्यादा चला गया है, तो वो 100 रुपया हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। 1 month, 1 महीना, 1 महीने में कितना वीक होता है? हाँ, 1 week, 2 week, 3 week and 4th week, कभी कभी 5वां week भी होता है। तो ये 1 week का मतलब 1 सप्ताह का हिसाब है, समझ रहे हो? अभी इस 1 सप्ताह का हिसाब हमें क्या करना पड़ेगा? वीकली टोटल करना पड़ेगा। अच्छा, अभी ये उधारी वाला घटना यहाँ पे उतर जाएगा, उधारी वाला नहीं जोड़ना है नहीं घटाना है। कल लास्ट में जो उधारी रहेगा वो वीकली टोटल में नीचे वाला बॉक्स में बिठा देना है, और कैश इन हैंड मतलब हाथ में नगद जितना है वो भी नीचे देख देख कर बिठा देना है। क्रॉस चेक का फॉर्मूला लिख लीजिए, ये फर्स्ट वीक का है, जैसे जैसे वीक बदलेगा क्रॉस चेक का फॉर्मूला वैसा ऐसा बदलेगा। ये लिख लीजिए, फर्स्ट वीक का क्रॉस चेक का फॉर्मूला, ठीक है? अच्छा, बिक्री बेचना बेचना माइनस खरीदना, माइनस कुल परिवार खर्च,
उधार इजिकल टू हाथ में नगद, हाथ में नगद लिख के रखेंगे कि ये पिछले वीक का उधार है जो इस वीक में मुझे उस आदमी से लेना है, समझ में आ रहा है। और ये जो हाथ में नगद है इस नगद को भी ऊपर लिख के रखना है, तभी जाकर आप सेकंड वीक का काम कर पाइएगा, नहीं तो नहीं कर पाइएगा। सेकंड वीक, सेकंड वीक का क्रॉस चेक, जब बिजनेस एकदम फर्स्ट स्टार्टिंग हो तो वो वाला क्रॉस चेक प्रथम वीक के लिए। जैसे ही सेकंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक हो जाएगा तब का क्रॉस चेक अलग हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये अलग क्रॉस चेक का जो फॉर्मूला है, टोटल क्या है, बेचना, टोटल बेचना माइनस टोटल खरीदना, टोटल खरीदना नगद इजिकल टू क्या आएगा, दिस वीक हाथ का नगद। सेकेंड वीक वाला ये जो क्रॉस चेक का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आप सेकेंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक, फिफ्थ वीक ये चलता रहेगा।